तो आप ये देख पा रहे हैं आरसी हेलीकॉप्टर है और आपको पता ही है, और ये जो है सही सलामत है। ठीक है, अब इसका जो है मैं हर एक पार्ट ओपन करूँगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये क्या होता है और इसका अंदर क्या है। ठीक है, और आपको नहीं पता है क्या कैसा कंपोनेंट्स है तो आज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सही है कि ख़राब कंडीशन में है। तो आप देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे सही कंडीशन में है ये। ठीक है, ऑफ हो जाए तो अब देख पाए इस सही कंडीशन में है। और इसको अब ओपन करेंगे, हम खोलेंगे तो यहाँ से। ठीक है, लो यहाँ लाइट है, लाइट इसका जो आगे वाला हिस्सा है ये निकल गया, और इधर से अब यहाँ से खोलने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, अब देख पा रहे हैं एक छोटा सा। तो चलिए इस स्क्रू को निकाल लेते हैं। तो छोटा सा टूल, पतला सा एक होममेड स्क्रू ड्राइवर, तो चलिए इसे मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये एक स्क्रू निकल गया और नीचे वाला जो है ये भी निकल गया है ना, दोनों स्क्रू हमारे निकल गए। मैं इस थर्माकोल के अंदर रख देता हूँ, और यहाँ से अब ये थोड़ा टूट चुका है। इससे पहले मेरा रील्स देखे होंगे तो मैंने इसे तोड़ने की कोशिश किया था, तो उसी समय ये टूटा है। ठीक है, और यहाँ से एक क्लिप है, यहाँ से आप निकाल दोगे इस तरह से। चलिए ये निकल चुका है, और इसके बाद करें और कहाँ निकलेगा तो इससे। ठीक है, तो गाइस अब इसे ओपन कर सकते हैं इस तरह से, और साइड में इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड करके, और स्क्रू तो कहीं लगा नहीं हुआ तो फिर भी इतना। ओ गाइस यहाँ पे और एक स्क्रू है, इसे भी खोलना पड़ेगा, है ना। इतना छोटा छोटा स्क्रू दे देता है, कहीं दिखता है नहीं अच्छे से। अब जो गाइस ये स्क्रू फाइनली निकल चुका है। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। वो गाइस इतना आसानी से गाइस ये। ठीक है, अब इसका पार्ट्स मैं इधर रख देता हूँ, क्या क्या ओपन हो रहा सब पार्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है, और ये कैसा फिट है एक बार नज़र डाल लो इसके अंदर। ठीक है, कि किस तरह से ये इसके अंदर फिक्स है और क्या क्या है एक साइड से आपको देखने को मिल रही है ना यहाँ से। ठीक है, हो सकेगा तो मैं इसे थंबनेल में इसे लगा लूँगा, इसीलिए इसे थोड़ा क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक मोटर लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, चलिए इस सर्किट को भी निकाल लेता हूँ यहाँ से इसे, और इस मोटर को भी शायद निकल जाएगा ना, इसे भी नहीं निकलेगा तो मैं हूँ ना। हर एक पार्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये भी खोल दिए हर एक पार्ट। अच्छा, ऐसे में गाइस अगर मैं ऑन करना चाहूँगा तो ऑन होगा, ट्राई करें एक बार देखें। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमारा सेंसर है, आप देख पा रहे जैसे मैं इसके सामने। ओह नो, लगता है इसका बैटरी डाउन हो चुका है ना, इसीलिए। लेकिन ये वर्क किया है ना। अब मैं इसका यहाँ से निकाल लेता हूँ। इसका जो है मेन पूरा इंजन यही है, निकल गया है ना, पूरा इंजन यही था इसका। और बात करते हैं, और तो
ये सबको साइड में रखो ना। तो और ये ओपन क्या करेंगे, ये बस गियर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एक साइड जब इसे घुमाते हैं तो मोटर से घूमता है एक साइड, तो ये ऑटोमेटिक दूसरा जो है इसका उल्टा साइड घूमता है, अपोजिट साइड है ना। और यहाँ से जो है एक ही हमारा गियर पे कनेक्ट रहता है। तो ये तो दिखा दिए, ठीक है। और अगर खोलना चाहोगे तो इसका एक एक पार्ट जो है, मैं दिखा रहा हूँ, एक एक पार्ट इसका जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी खुल जाएगा, यहाँ से भी खुल जाएगा, ठीक है। ये सच खोलेंगे तो ऐसा भी ओपन हो जाएगा, यानी कि हर एक पार्ट इसका जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। और चलो हटा, अब इसको देखते हैं। बैटरी कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे मोटर का है और यहाँ पे लाइट का है, यहाँ पे बाकी बहुत ही आसान इसका कनेक्शन है, इजी है। और चलिए मैं और एक बार इसे ऑन करता हूँ ऐसे में ही, जो देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। और एक बार मैं ऑन इसे करता हूँ, तो गाइस आप इसका सुन पा रहे हैं। अब जैसे मैं इसका पास उंगली ले जा रहा हूँ, इसका साउंड देखना, सेंसर से जो है इसका ये आवाज चेंज हो रहा है ना। तो इससे जो है ना गाइस, मैं और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, इससे बहुत तरह का जो प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। बाकी और आप लोग का जो भी आइडिया है क्या क्या इससे बना सकते हो, तो गाइस आपने देख लिया कि सब पार्ट्स जो है मेरा खोल के रख दिए। और गाइस ये बस, यानी कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, ये हमारा नया प्रोजेक्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे हमारा कोई भी सामान जो है काम आ सकता है, ठीक है। और अगर आप इसे लगा के फिर से इस्तेमाल करना चाहोगे हेलीकॉप्टर को, तो फिर ये वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं, कोई कनेक्शन मैंने इसका काटा नहीं है, सब कुछ सही सलामत है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, बस जैसा था वैसा सेट करना है और आपको ये हेलीकॉप्टर बनाना है। तो भाई सब देख पा रहे, मेरे पास जो प्रोपेलर है कितना छोटा छोटा प्रोपेलर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसे चेक करके देखते हैं कि ये कितना स्पीड घूम रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे पहले मैं निकालना पड़ेगा, तो मैं इसे निकाल दिया और फिर से सेट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करते हैं, देखते हैं ये कितना कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक, इतना स्पीड, कसम से गाइस खतरनाक ही खतरनाक स्पीड है। तो आई होप गाइस मैंने ये दिखा दिया कि इसका अंदर क्या क्या रहता है। आपको पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।